रोजाना ताजा खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। मैं बुजुर्ग हूं तो मुझसे मुकाबला कर लें, मैं तैयार हूं। कमलनाथ। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने कांग्रेस नेता पीसी शर्मा को जूस पिलाकर उपवास खत्म कराया। भोपाल मकर कांग्रेस कार्यालय में गुरुवार को कांग्रेस के प्रमुख मोर्चा संगठन की बैठक रखी गई। बैठक के दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने कांग्रेस नेता पीसी शर्मा को जूस पिलाकर उपवास खत्म कराया। कांग्रेस मुख्यालय के तीसरे माले पर कार्यकारी अध्यक्षों के साथ चल रही बैठक में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ, राष्ट्रीय महासचिव एवं प्रदेश संगठन प्रभारी दीपक बावरिया सहित कार्यकारी अध्यक्ष रामनिवास रावत, बाला बच्चन, जीतू पटवारी और सुरेंद्र सिंह चौधरी मौजूद रहे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने कांग्रेस के सहयोगी संगठनों को कसने और चुनाव के लिहाज से उनको काम पर लगाने पर फोकस किया। जल्दी ही इन संगठनों को टारगेट भी देने वाले हैं, जिसमें महिला, युवा और छात्रों के बीच पैठ बढ़ाना और वोट प्रतिशत में इजाफा करना है। बैठकों में सरकार के खिलाफ आंदोलन की रूपरेखा भी तैयार की। कमलनाथ के उम्र के सवाल पर बयान देते हुए उन्होंने कहा कि जो समझते हैं मैं बुजुर्ग हूँ वो मुझसे मुकाबला कर लें, मैं तैयार हूँ। देखिए मैं कितने साल का हूँ, इससे फर्क नहीं पड़ता है। जो हूँ उनके 50 साल वाले मुकाबला कर ले, जो सोच रहे मैं बुजुर्ग हूँ मुझसे मुकाबला करे। वायरल वीडियो पर उन्होंने कहा कि बीजेपी की पोल खुल गई, जनता के सामने उनकी सच्चाई आ गई है, अब वीडियो के माध्यम से प्रचार करना पड़ेगा। बैठकों का समय इस प्रकार 2 बजे महिला कांग्रेस, 3:30 बजे यूथ कांग्रेस, 5 बजे -NSUI, 6 बजे से बादल। वहीं इसके पहले प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा कि कांग्रेस सत्ता में आई तो भाजपा शासन काल में हुए घोटालों की जांच कराई जाएगी। कांग्रेस चेहरों पर चुनाव लड़ेगी, कोई एक चेहरा नहीं होगा। मजदूर, बेरोजगार, किसान इत्यादि चुनाव में कांग्रेस का चेहरा होंगे। भोपाल में मीडिया से चर्चा में कमलनाथ ने कहा, केंद्र में जब वे मंत्री थे तो मध्य प्रदेश के लिए बहुत कुछ दिया, सबसे ज्यादा राशि प्रदेश की सड़कों के लिए दी गई। ये राशि शिवराज को नहीं दी थी बल्कि विकास कार्यों के लिए दी थी। छिंदवाड़ा मॉडल पर चुनाव लड़ने के सवाल पर कहा कि वहां विकास हुआ है। शिवराज द्वारा लगातार की जा रही घोषणाओं पर उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार को 14 साल के कामकाज पर भरोसा नहीं है, इसलिए लोगों को ध्यान भटकाने के लिए लगातार घोषणाएं की जा रही हैं। अब घोषणाओं का समय समाप्त हो गया है, हिसाब देने का समय है। शिवराज सरकार को अपने कामकाज का हिसाब देना होगा। कमलनाथ बोले, अब स्थिति ये है कि विज्ञापन पर विकास दिखता है, मैदान में भूख और भ्रष्टाचार है। हिंदुस्तानी हूँ, उन्होंने कहा कि मुझे वोट के साथ साथ जनता का प्यार भी मिला है। छिंदवाड़ा मेरा मिशन रहा, अब MP मेरा मिशन है। कमलनाथ से जब पूछा गया आपकी जाति क्या है तो उन्होंने जवाब दिया, मैं हिंदुस्तानी हूँ, राजनीति मेरे लिए समाज सेवा है।